नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मैनपुरी में पुलिस ने सर्विलांस टीम और एसटीएफ की मदद से 4 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए। उनके कब्जे से ट्रक में भरा 205 किलो गांजा बरामद किया गया। मैनपुरी सदर कोतवाली इलाके में पुलिस को गांजा तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने सर्विलांस टीम और एसटीएफ की मदद से 4 गांजा तस्करों संतोष, राकेश, उमेश और सुरजीत को धर दबोचा। इनके कब्जे से ट्रक की केबिन में भरा 205 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया है। गांजा का मुख्य सप्लायर उड़ीसा का है, उसकी और उसके साथियों की तलाश में पुलिस जुटी है। पिछले कुछ समय से एक सूचना मिल रही थी कि गांजे की तस्करी का एक रैकेट सक्रिय है, इसलिए इस बिंदु पर कुछ सर्विलांस की भी मदद ली गई, कुछ एसटीएफ की मदद ली गई और इसके बाद कल 4 अभियुक्त जो संतोष, उमेश, राकेश और सुजीत, एटा और कासगंज के, 3 एटा के रहने वाले, 1 कासगंज का रहने वाला है, तो इनको कल दिन में अरेस्ट किया गया और इनके पास से एक ट्रक HR55L1835, इसमें केबिन के ऊपर एक कैविटी बनी थी जिसमें कि 2 क्विंटल 5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इंस्पेक्टर कोतवाली, सीओ सिटी, पूरी टीम इसमें लग करके और इसको फिर इस चारों अभियुक्तों को कब्जे में लिया गया है। अभी कई अभियुक्त हैं जो कि इसमें अभी गिरफ्तार किए जाने से इसमें एटा के पूछताछ में जानकारी आई है कि एटा और साथ में मुख्य सप्लायर जो है, जो कि उड़ीसा का रहने वाला है, उसकी भी हम पुलिस कस्टडी डिमांड लेकर के और उस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। सर, कोतवाली आरोपियों को कोई पुराना इतिहास भी अभी सुनने में आ रहा है? पूछताछ में इन्होंने बताया है कि पहले भी हम लोग 2 बार इस ट्रक के माध्यम से कैरी कर चुके हैं, किंतु अभी तक क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी जो अपने जनपद में एटा में या इस तरह के प्रकाश में नहीं आई।